नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में तमाम वो पूर्व विधायक जिनका या तो इस बार चुनाव में टिकट कट गया या फिर अगर वो चुनाव पिछला हार चुके हैं और अभी भी सरकारी मकान में रह रहे हैं, तो ऐसे पूर्व विधायकों को अब जल्द ही अपना सरकारी मकान खाली करना पड़ सकता है। दरअसल विधानसभा सचिवालय ने मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग को एक पत्र लिखा है। उसमें मांग की गई है कि जो पूर्व विधायक हैं उनके मकानों को शीघ्र खाली करवाने की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि 3 दिसंबर के बाद जो नव निर्वाचित विधायक हैं उन्हें सरकारी मकान आवंटित कर दिया जाए। आपको बता दें कि वैसे तो मध्य प्रदेश में अतिथि विश्राम गृह बने हुए हैं, एमएलए गेस्ट हाउस बना हुआ है, जहां पे ऐसे विधायक जो भोपाल आते हैं जिनके पास मकान नहीं है अपना भोपाल में सरकारी, तो उन्हें इन विश्राम गृहों में रुकाया जाता है। खासतौर से जब विधानसभा के सत्र होते हैं तो ये विधायक जो है वो विधायक विश्राम गृह में आकर के दिन अपने गुजारते हैं। लेकिन ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर साल चुनाव के समय अपनाई जाती है। सामान्य प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी होती है कि मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक जो हैं अगर वो सरकारी मकान में रह रहे हैं और वो इस बार चुनाव हार गए हैं या फिर नहीं लड़े हैं, उनको टिकट नहीं मिला है, तो ऐसे पूर्व विधायकों का जो मकान आवंटन होता है उसे निरस्त किया जाता है। जो नए विधायक होते हैं उन्हें वो मकान अलॉट किया जाता है। हालांकि ये प्रक्रिया जो है, आपको बता दें, अगर कोई पूर्व विधायक है वो उसी मकान में रहना चाहता है तो वो कोई उदाहरण दे करके, कोई सरकार के पास अपनी कोई समस्या बता करके अपने उस आवंटन को यथावत रख सकता है। सरकार के ऊपर उस वक्त ये जिम्मेदारी होती है कि वो पूर्व विधायक की अपील को माने, उनकी मांग को स्वीकार करे या फिर रद्द कर दे, अस्वीकार करके उनका आवंटन निरस्त करे। कई ऐसे विधायक हैं जो पूर्व विधायक हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, खासतौर से भोपाल में भी अगर हम देखें, लेकिन फिलहाल वो सरकारी मकान में रह रहे हैं। तो ये निर्भर करता है सरकार के ऊपर। सामान्य प्रशासन विभाग को अगर सरकार आदेश दे तो वो पूर्व विधायक भी अपने सरकारी मकान में यथावत रह सकते हैं। फिलहाल की अगर बात करें तो सामान्य प्रशासन विभाग ने विधायकों को पत्र भेजना तो शुरू किया ही है, पूर्व विधायकों को, कि वो अपना सरकारी आवास जो है खाली करने की शुरुआत कर दें। लेकिन इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं उन्हें भी पत्र भेजा है और उनसे ये मांग की है कि उनके तहत आने वाले जो विश्राम गृह है, जैसे वो फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस हो या फिर जल संसाधन का गेस्ट हाउस हो या अलग अलग विभागों के गेस्ट हाउस हो, पीएचई के हों, पीडब्ल्यूडी के हों, इन सभी से ये मांग की गई है कि अगले कुछ दिनों के लिए वो नव निर्वाचित विधायकों के मद्देनज़र इन विश्राम गृहों को आरक्षित रखें, क्योंकि अगर मकान खाली नहीं होता है पूर्व विधायकों का तो जाहिर सी बात है विधायकों को इतनी बड़ी संख्या को भोपाल में ठहराना, जाहिर सी बात है, एक जगह पे मुनासिब नहीं होगा। इसलिए अलग अलग विश्राम गृह जो है उन्हें भी कमरे आरक्षित करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एमएलए गेस्ट हाउस भी है भोपाल में और दूसरी तरफ रचना टावर भी बनकर तैयार है, जहाँ पे विधायकों के लिए, पूर्व विधायकों के लिए फ्लैट्स बनाए गए हैं। तो सामान्य प्रशासन विभाग अपनी तैयारी कर रहा है। एक सामान्य प्रक्रिया के तहत वो सभी पूर्व विधायकों को चिट्ठी भेज चुका है। हालांकि इन विधायकों की संख्या कितनी है, कितने विधायकों को अब तक पत्र भेजे गए हैं, ये अभी फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। लेकिन माना जा रहा है कि वो सभी पूर्व विधायक जो या तो इस बार चुनाव नहीं लड़े या फिर पिछला चुनाव वो हार चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी मकान का आवंटन उन्होंने यथावत रखा है, उन सभी को ये पत्र जो है वो भेजा जा रहा है। और 3 दिसंबर के बाद जब मतगणना होगी और जब नतीजे आएंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के, तो उसके बाद माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया में और तेजी लाई जाएगी।